थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो माय डियर सुपर ब्लेस्ड हैप्पी यूनिवर्स फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवर ऑन चैनल माय हैप्पी यूनिवर्स। एंड यू नो मी वेरी वेल हु इज आई एम शालिनी। आई एम अ टीचर ऑलवेज हियर टू मेक यू सो हैप्पी, सो स्पेशल, सो ब्लेसफुल इन योर ऑन चैनल माय हैप्पी यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग अवर ऑन चैनल ऑन गूगल, फेसबुक, फेसबुक पेज एंड यू आर ऑन यूट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बिकॉज विद योर लव, विद योर रिस्पेक्ट माई हैप्पी यूनिवर्स हैज क्रॉस्ड मोर देन 24,000 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्ट विद अस। सो नो फर्दर डिले फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। वी हैव डिस्कस्ड विद थैंक यू, आई हार्टली थैंक यू गॉड एंड थैंक यू टू यू ऑल। एंड प्लीज यू ऑल्सो से थैंक यू फॉर योर लाइफ। यू मे बिलोंग टू एनी बिलीफ सिस्टम but be humble and grateful for your life. Every second, every day, every minute is a great testament in our life. So be blessed and be happy for yourself. Next, we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, mind. Next, who is I am? We all are spirits. Now we spirits are on spirit mission. But today is Monday special. So have you any idea what can I have for you? बता देती हूँ आपको, आज सोमवार के दिन मैं क्या सोमवार के लिए खास लेकर आई हूँ या किसी और हफ्ते के दिन को खास बनाने आई हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारे दिन जितने भी आते हैं, हफ्ते में 7 दिन आते हैं, हर एक दिन की कोई ना कोई अहमियत है। मुझे पता है कि हर दिन ही हमारे लिए मंगलमय होता है, लेकिन हर चीज की क्वालिटी है, हर चीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मंडे स्पेशल में वेडनेसडे की, मतलब की बुधवार। बुध काम शुद्ध, तो इस बुध को हम कैसे शुद्ध बनाएं वो भी बताऊंगी, और अपने बुध को आप कितना अच्छा बना सकते हैं। कोई टोटका नहीं करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन चीजों से जिनके थ्रू आपका एक अच्छा कर्म भी होगा और आप अपनी धरती को बहुत कुछ वरदान दे सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के थ्रू। करें स्टार्ट फ्रेंड्स। आज बता देते हैं कि जो बुध है वो हमारे हफ्ते के चौथे दिन है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई जगहों पे इसको तीसरा दिन भी माना जाता है, क्योंकि हम अपने वर्किंग डेज जो है वो मंडे से ही स्टार्ट करते हैं, संडे को हम छुट्टी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बुध ग्रह है ये हरे रंग का है, और इसके जो पिता है जो वो है चंद्रदेव। और इसकी स्टोरी अगर आप ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से वहां से क्लियर होगा। लेकिन जितना भी मैंने प्लेनेटरी बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज मुझे मिला वो हम साझा करते हैं। हर चीज की अपनी अपनी स्टडी है भाई, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की मान्यताएं हैं, हर तरह के विश्वास है। जिस विश्वास में एनर्जी है उसमें फोर्स है, उसमें कोई ना कोई रेडिएशन भी जरूर है। तो वी रिस्पेक्ट एवरीवन। एंड आज बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र से ही बात कर लेते हैं कि बुध ग्रह का क्या असर होता है हमारे जीवन में। बुध ग्रह हमारी बुद्धि का कारक है, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। और बुध के दिन अगर आप हरे कपड़े पहनते हैं अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप उस टाइम अपने बुध ग्रह को बहुत मजबूत बना सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करते और अगर आप विश्वास नहीं करते, तो हमारे पास अपना मूल मंत्र है ना, थैंक यू। अब थैंक यू कीजिए, जब आप थैंक यू करेंगे, अब आप कई लोग होंगे शायद वो थैंक यू नहीं करते होंगे, कई लोग कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं, और बहुत अच्छी बात है, जो हमें खुशी देता है वो करना अच्छी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे ही चक्रास बैलेंस रहें और आपके जितने भी ग्रह हैं नवग्रह वो आपके कंट्रोल में हो जाए, तो जस्ट स्टार्ट वर्क ऑन योर चक्रास। ये आप किसी की अच्छी सलाह लेकर, अच्छे सुझाव के साथ, पूरे नित्यनियम के साथ अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए आप अच्छे से एस्ट्रोलॉजर, अच्छे ज्योतिषी से, जो आपको एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दे, तो अपने लिए अच्छी सलाह जरूर लें, क्योंकि हॉरोस्कोप्स के अकॉर्डिंग अगर आप इन सॉल्यूशंस को अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। क्योंकि सम टाइम कुछ भी चीजें आप दान आदान प्रदान करना, अगर कोई भी हॉरोस्कोप में जितनी भी चीजें अगर हमारी कुंडली के घर पे अच्छी नहीं है तो वो कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी दे जाती है। तो प्लीज आप कंसर्न करके ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि अगर आप हॉरोस्कोप भी नहीं दिखाएं और आपको ऐसा क्या करना पड़ जाए कि आपके सारे ग्रह अपने आप बैलेंस हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। मेरा मूल मंत्र जो मुझे करना पसंद है,
आप स्पाइन पे अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पे बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, मात्र 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, क्योंकि बिजी लाइफ है, इतना टाइम हम अपने अंदर नहीं जा पाते। बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, तो आप 1 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड, 2 to 3, फिर धीरे धीरे रिदम बनती जाती है, और जब रिदम बन जाएगी तो आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी, और रेगुलरिटी बनेगी तो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेट बैठ जाइए, और स्ट्रेट होने के साथ मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एनर्जी है वो लोअर टू अप पार्ट में क्या होती है, रेडिएट होती है। आप जैसे ही बैठेंगे आप अपनी ब्रीदिंग्स का यूज कीजिए। नेचुरली ही मैंने कह रही हूँ कि आप कोई माला लें, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका है, नियम है। तो हम जो लोग हैं बहुत भाग दौड़ की लाइफ में है, तो सिंपल तरीके से और बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट हमारी लाइफ में हमें मिले और क्या चाहिए। स्ट्रेट बैठते हुए फ्रेंड्स, पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रीदिंग्स लीजिए, 10 ब्रीदिंग्स लीजिए, और 10 ब्रीदिंग मतलब एक ब्रीदिंग अंदर मतलब इनहेल करना है और एक्सहेल। जब इनहेल किया तब भी थैंक यू काउंट करना है, थैंक यू काउंट नहीं हो रहा ना आपसे, ये आपकी फिंगर्स है, जब आपने फर्स्ट फर्स्ट थैंक यू किया मतलब, तो एक फिंगर कंप्लीट हो गई, एक ब्रीदिंग एक साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट इस फिंगर पे हाथ रख लीजिए, ऐसे आप स्टार्टिंग से 1 to 5 करके स्टार्ट कीजिए। इन ब्रीदिंग्स को करने के साथ क्या होगा कि आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। प्रेजेंट में आने के साथ साथ आप जब स्पाइन पे स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारे चक्रास अपने आप अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। रूट चक्रा से सारी एनर्जी जो है वो फ्लो आउट होकर आपके यहाँ पे क्राउन चक्रा पे जाती है, और जो क्राउन चक्रा पे आपको मैंने कहा कि खिंचाव सा महसूस होगा, तो वो सारी की सारी एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वो जितने भी चक्रास हैं उसको बैलेंस कर देगी। है ना, कितनी आसान टेक्निक, कोई आपको करने की जरूरत नहीं, आप इसे जब मर्जी जितनी बार 100 बार जब आपका मन जहां जिस जगह करता है आप इसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको ये करना बहुत मुश्किल लगता है तो आप ओम चैंट कीजिए। ओम एक यूनिवर्सल ध्वनि है जो आपके सारे चक्रा को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के कारक हैं, आपको त्रिनेत्र त्रिधारी की शक्ति देंगे। अब आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं, आप जो भी कीजिए उसे सच्चे भाव और आस्था से कीजिए, तो हर चीज आपको शांति देगी, और थैंक यू तो है ही। तो बुधवार को अपने बिलीफ सिस्टम में, इफ यू बिलीव ऑन हिंदू लेजेंड्स बिलीफ सिस्टम, तो आप किस देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं जो आपको बुधवार के दिन आपके हर काम को बहुत शुद्ध कर देते हैं, वो हैं भाई हमारे गणेश महाराज जी, गणपति बप्पा मोरिया, क्योंकि इनकी पूजा के बिना तो कोई भी चीज सफल नहीं होती, पहला नाम इनका लिया जाता है। तो बुधवार के दिन आप गणपति बप्पा जी को जरूर मनाइए। और अब बता देती हूँ इनको मनाने का तरीका क्या है, और आपका बुध ग्रह कैसे ठीक हो जाएगा, जिसमें आपको टेंशन नहीं है कि होरोस्कोप में कौन सा घर है, कहाँ पे है आपकी, क्योंकि ये चीजें जब हम नेचुरली ही करते हैं तो ये हमें नेचुरली ही पॉजिटिव वे में हर एस्पेक्ट में रिजल्ट देती है। अब बुध ग्रह है, हरा रंग मतलब कि आप गणेश भगवान की वर्शिप कर सकते हैं, आप इन्हें ध्रुवा चढ़ाइए, आप जानते हैं हरा घास जो होता है, और उससे भी बड़ी बात आप किसी भी मंदिर में जाकर अपने नाम की कोई प्लांटिंग कीजिए, अपने प्रेयर प्लेस पे जाके, चाहे आप कहीं पे भी जाते हैं वहां पे कोई प्लांट लगाइए, वहां पे कोई फ्लावरिंग करिए, वो चीजें आपकी अर्थ को भी एक बूंद देंगी और आपकी लाइफ के लिए भी एक ब्लेसिंग होंगी। हो गए ना दोनों काम, एक आपका अच्छा कर्म और गिव एंड टेक भी हो गया। मैंने कहा नेचर दोनों तरीकों से काम करता है, जब हम कुछ देते हैं तो हमें भी कुछ मिलता है। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग भी मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि हाल ही में मैंने 2-3 दिन आपको कहा कि जब मैंने सिंगिंग वाली वीडियो 2 दिन पहले बताई आपको, तो मैंने कहा था कि आप अगर पेंटिंग भी करते हैं तो आप स्ट्रेस से आजाद हो जाते हैं। तो भाई अगर आपको ड्राइंग नहीं आती करने तो कलर तो हर कोई कर सकता है, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। तो ये पेंटिंग भी मेरे ब्रदर ने बनाई थी जब वो बहुत छोटा था, स्कूल जाता था। तो ये लॉर्ड गणेशा ब्लेस यू, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हो, क्योंकि बुध ग्रह व्यापार से रिलेटेड है और गणेश भगवान हमारे विघ्न हरता है, हमें बहुत ज्यादा सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि और हर तरह की रुकावटों को हमारे जीवन से दूर करते हैं हिंदू लेजेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब और क्या करें अपने बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए, मतलब अपने बुधवार को और अच्छा करने के लिए, ताकि हमें और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स में, बताती हूँ सब कुछ बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए, दो दिल हैं,
कितने अच्छे हैं ना। और ये दिल हमारी धरती माँ के नाम, मैंने कहा कि हमारा शरीर जल वायु अग्नि हवा आकाश इन पृथ्वी इन तत्वों से बना है ना। तो पृथ्वी भी हमारा एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर से चला है, और रूट चक्रा पे जब हम काम करते हैं तो हमें धरती पर हरे घास पे चलना चाहिए, तो भी हमारा बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा जब हम प्लांटिंग करेंगे तो भी हम अपनी धरती माँ के लिए एक ब्लेसिंग बनेंगे। हम डिफोरेस्टेशन को, मतलब जो पेड़ों की अननेसेसरी कटाई है, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आपके पास हरी घास पास है आपके आसपास, तो आप प्लीज वहां पे आप बहुत ज्यादा घास लगाइए, ग्रास लगाइए। अगर आपके घर के पास ट्रीज है तो वहां पे पानी दीजिए। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अपने फूलों में पानी दीजिए, आप फ्लावर्स लगाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा जिससे कि। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लेमन वाटर पीजिए, आपका बुध ग्रह आपका बुधवार बहुत अच्छा जाएगा। उससे भी बड़ी बात, ये सब करने का भी टाइम नहीं है, ग्रीन कपड़े पहनिए, बुद्धि का कारक है। अपने आप को नेचर के पास रखिए, अपने हर चक्रा पे काम कीजिए, तो आपका बुध कर देगा आपके सारे काम शुद्ध। तो ये आज का मंडे स्पेशल हमारी अर्थ के नाम, ताकि हम इस स्पेशल मंडे पे अपनी अर्थ के लिए एक ऐसी ब्लेसिंग बने, ताकि अर्थ में जितने भी जो प्लांट्स हैं, हमें क्या लगे, तारे जमीन पर, इतनी सुंदर हमारी अर्थ हो, इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो, इतनी अच्छी नेचर हो। और जब हम नेचर के लिए कुछ करते हैं तो नेचर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है, नेचर हमें फ्रूट्स देता है, नेचर हमें वेजिटेबल्स देता है, सब कुछ देता है। तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मंडे एंड वेरी स्पेशल वेटनर्स डे। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल द अमेजिंग वीडियोस विद माय हैप्पी यूनिवर्स। स्टे कनेक्टेड एवर मोर एवर फॉर एवर। बाय बाय, टेक केयर।